राधा स्वामी भाई, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। बुआना गांव है, नाम मेरा सुदेश है। मैं इतनी परेशानी में थी, मैं अपने बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। सतगुरु महाराज, मैं मेडिकल अमर सारे घूम ली थी, मैं मालिक की शरण में आ गई। मेरे सतगुरु महाराज ने या दया करी मेरे पर, मेरी इसी पोजिशन थी, मेरे दिमाग में गांठ बता दी थी मेडिकल वाले ने, बोला कुछ बीनने की है, ख़त्म हो जाएगी, इसका सेवा पानी कर लो, मेरे घर वाले से बोल दिया था। मेरे घर वाले लेकर मालिक के दरबार में आ गए। मेरे सतगुरु ने वह मौज करी जो सी मौज किसी पर नहीं हुई, ना किसी पर हो, जो मेरे पर करी है। मैं अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी, अपने बच्चा ने भी भूल गई थी, उनके नाम भी याद नहीं थे मेरे। आधा शरीर मेरा हिस्सा ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद कई कई दिन मैं बेड पर पड़ी रही हूँ। मेरे सतगुरु ने वह दया करी, आज जो मैं खड़ी हूँ आपका आगे, मेरे मालिक की मौज से इतना मेरे साथ जो हुआ है, मैं तेन को मेरे मालिक आज दो भाई हैं बेचारा, मैं खड़ी हूँ ना, तो ऐसा हाल हो गया था मेरा। अगर मेरे घर में बेल मार के रखने का बहुत कर दिया था, ऐसा था। और सबके मेरे शरीर में वह गांठ थी जो मेरे दिमाग में, डॉक्टर ने बोल दिया था इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसने छू नहीं सकते, किस चीज़ की गांठ से या अरे हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अंताजा तो दवाई दी उन्हें, नौ महीने तक मेरे तय टीबी की दवाई खवा दी मेडिकल वाला ने। टीबी से और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी उस गर्म दवाई से खाने से। अतमत मालिक के दरबार में इसी आई, मेरे मालिक ने इसी दया करी, भाई डॉक्टर अपनी जाना, मालिक बोले मेरे दरबार में आएगी, अब मेरा हॉस्पिटल में है तू, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब तू ठीक होगी बिल्कुल, तेरा कोई बड़बाका करने वाला भी नहीं है। डॉक्टर ने तो दो महीने की कह दी थी, मालिक ने कही वाक्य, मगर आपके डॉक्टर भी झूठे नहीं थे, मरनी थी वाक्य मरनी थी, पर यह सतगुरु की मौजर दया जो बच गई। अब मेरे तो मालिक ने सतगुरु महाराज ने इसी काटी, मैं आज दो भाइयाँ बेचारे खड़ी हूँ और खूब सेवा में भी आऊँ हूँ, सेवा भी करूँ हूँ और दर्शन भी करूँ हूँ और सत्संग भी सुनूँ हूँ। मैं तेन को ये मालिक जो दया मेरे पपार करी है इसी सब पर कर सतगुरु महाराज। राधा स्वामी। संतवाणी दुख दाहिनी सुख दाहिनी।